हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो ब्रिज। दिस इज गौरव बाबू इन फ्रंट ऑफ यू अगेन। गाइस, आज जो मेरा टॉपिक है वो रिगार्डिंग गेट एग्ज़ाम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेट एग्ज़ाम के बारे में, कि गेट एग्ज़ाम है क्या, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको तैयारी तो करते हैं बट उनको ये नहीं पता होता कि गेट एग्ज़ाम की एक्चुअल नीड क्या है, वो हमसे क्या चाहता है। और यही कारण है कि तैयारी करने के बावजूद, अच्छी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बावजूद रिजल्ट नहीं आता। तो गाइस, इस पर फोकस करेंगे थोड़ा सा। तो आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मैं ऑलरेडी स्लाइड को कई बार आपको बता चुका हूँ, तो आप मेरे बारे में जान चुके होंगे अब तक। सो गाइज, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, या कोई आपको कमी लग रही है, तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लाइक करना है, शेयर करना है, तो गाइज आप मुझको इधर फॉलो कर सकते हैं ऑन द गिवन लिंक। इस लिंक के थ्रू आप मुझको फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। नाउ दिस इज द प्लस सब्सक्रिप्शन। मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ कि व्हाट इज द प्लस सब्सक्रिप्शन और इसका क्या फ़ायदा है। अगर ऐसे हम कंपेयर करें ऑफलाइन कोचिंग से और ऑनलाइन से, तो बहुत ही बेनिफिशियल आप लोगों के लिए। तो इसको आप ऑलरेडी जानते हैं, इसमें सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप एक बार उनको दोबारा पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा, तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने इसको डिटेल में समझाया हुआ है। नाउ अगेन, ये सबसे अच्छा पार्ट लगता है मुझे प्लस सब्सक्रिप्शन का, दिस वन लर्न एनी टाइम एनी वेयर। ये ऑलरेडी मैं पूरी स्लाइड को पहले भी बता चुका हूँ, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिस तरह से आप HDFC बैंक की बात करें, तो HDFC बैंक की पंच लाइन है कि बैंक आपकी मुट्ठी में। सिमिलरली अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए मैं पंच लाइन बोलना चाहूँगा कि कोचिंग आपकी मुट्ठी में। जब चाहो तब इसको पढ़िए, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो को देखिए, एनी वेयर, आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए गाइस, नेक्स्ट ये थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन के फी के बारे में है कि किस किस तरह से फी ले रही है प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अनअकैडमी। तो एक मंथ का पैकेज यहाँ पे है, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको 3 महीने पढ़ना होगा, तो 3 महीने का पैकेज भी है, 6 का भी और 12 मंथ का भी। 12 मंथ का पैकेज है और 3 ईयर्स जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए, या पास आउट के लिए, और 24 मंथ का पैकेज उन बच्चों के लिए जो सेकेंड ईयर में है। तो जो 24 मंथ का पैकेज मतलब टू ईयर प्रोग्राम, तो 2 ईयर प्रोग्राम की जो फी है दैट इज 40,000। और यहाँ पे एक मेरा कोड दिया हुआ है, दैट इज़ अ यूनिक रेफरल कोड ऑफ माइन। इस कोड को अगर आप डालेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का फी में डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने परसेंट का? 10% का। तो सी, अभी जो फीस 40,000 दिखा रही है, जैसे ही आप इस कोड को डालेंगे, ये फी कितनी रह जाएगी? 36,000 फॉर 24 मंथ। माइंड इट प्लीज, 24 मंथ। इसके अलावा अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो गाइस अगेन आप इस कोड को डाल सकते हैं, दैट इज़ अ GPS लाइव। और जैसे आप इस कोड को डालेंगे, जो फीस 12 मंथ की 25,000 रुपये है, वो कितनी रह जाएगी? 22,500 रुपये। 2,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं गेट का ऑप्शन, या आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो ESC का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, तो आप दोनों ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपने फेवरेट फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए गाइस, आते हैं अपने रियल मुद्दे पे। तो मुद्दा ये है सर कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिपेयरिंग इन कोचिंग इज सफिशिएंट, जो आप कोचिंग कर रहे हैं कहीं पे भी, इधर ऑफलाइन और ऑनलाइन, क्या वो सफिशिएंट है? तो मैं बोलूंगा नहीं सर। केवल नोट्स पढ़ने से, केवल अच्छे फैकल्टी से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता सर, समझ में आ रही बात? तो दोस्तों, हमें एक चीज समझनी है कि कुछ तो ऐसा मिसिंग है जिसकी वजह से हमारे सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। ये ऑलरेडी मैं अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ कि कुछ मिसिंग है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको याद हो अगर आपने मेरा वीडियो देखा है पिछला, कि मैंने बताया था कि ये क्लासरूम है। फॉर एन एग्जांपल, दिस इज अ क्लासरूम हियर। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो दोबारा समझ लें। और ये क्लासरूम है जहाँ पर गेट की क्लासेस चल रही है। किसकी क्लास चल रही है? गेट की। और इस गेट की क्लासेस में करीब एक क्लासरूम में 400 बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक अच्छी कोचिंग है जहाँ 400 बच्चे एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहां एक प्लेटफॉर्म है जहां पर फैकल्टी खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, यहां पर फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये सारे स्टूडेंट को समझ में भी आ रहा है, क्योंकि ये सब जॉब करना चाहते हैं, इन सबको आगे गेट निकालना है, तो ये अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं। सुबह टाइमली आते हैं, अपनी पूरी क्लासेस लेते हैं, डाउट सेशन लेते हैं, इसके अलावा टेस्ट सीरीज देते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सब कुछ करते हैं। ये कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 400। ये 400 बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है, जब गेट का फाइनल रिजल्ट आता है, गेट का जब फाइनल रिजल्ट आता है, तो 400 बच्चों में से कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? 400 में से कितने सेलेक्ट होते हैं? 2, 3 या मैक्स 2, मैक्स 10। यही कड़वी सच्चाई है सर।
दोस्तों यही कड़वी सच्चाई है कि हम प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन फिर भी कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 2, 3 या 10, कितने में से, 400 में से, यही सच्चाई है। तो ऐसा क्यों है, क्या ये 400 बच्चे मेहनत नहीं करते, क्या ये 400 बच्चे समय नहीं देते, क्या 400 बच्चे रिवीजन नहीं करते? नहीं सर, ये सब कुछ करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि इन्हें आज तक यही नहीं पता कि गेट बला क्या है, इनको यही नहीं पता गेट क्या चाहता है। दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग, दे आर जस्ट मेकिंग देयर नोट्स, कोचिंग में जाते हैं, नोट्स बनाते हैं, नो डाउट सब कुछ समझ में आता है, फैकल्टी जो समझाती है बहुत अच्छा लगता है इनको, लेकिन इनको स्ट्रेटजी नहीं पता। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर की सबको नहीं पता हथौड़ा कहाँ मारना है। तो आइए गाइस जानते हैं कि क्या कमियां हैं, क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहली कमी ये है कि बच्चे जानते ही नहीं है कि गेट क्या है, समझ मारी बात, बस आए क्योंकि रैट रेस चल रही है, सबको पता है कि गेट से जॉब लगती है, गेट से पीएसयू मिलते हैं, तो मेरा दोस्त तैयारी कर रहा था चलो मैं भी कर लेता हूँ, तो उसी भीड़ में हम लोग शामिल हो जाते हैं, हमें ये आज तक पता ही नहीं चला कि गेट चाहता क्या है। तो गाइस सबसे पहले गेट के बारे में समझ लें कि ये गेट भला क्या है। सर मैं आपसे बताना चाहूंगा, जो भी मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, गाइस एक बात हमेशा याद रखेंगे कि नाम में इंजीनियरिंग छुपी है। किसमें इंजीनियरिंग छुपी है? नाम में, बस आपको देखना आना चाहिए। तो गाइस गेट के नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, अगर आज आप इसके नाम को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार होने वाला है। तो गाइस सब कुछ इसके नाम में छुपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं गेट क्या है। गेट की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ गेट। अब इसी फुल फॉर्म में सब कुछ छुपा हुआ है, एज आई टोल्ड यू कि नाम में इंजीनियरिंग छुपी है, तो इस नाम में ही सब कुछ छुपा है। तो इस पेपर का जो नाम है उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ देखते हैं, चार चीजों से मिलकर गेट बना है, दैट इज ग्रेजुएट, फिर एप्टीट्यूड, फिर टेस्ट, फिर इंजीनियरिंग, चार चीजें हैं। अब इन चार चीजों को एक बार देखते हैं कैसे कैसे हैं। सबसे पहले ग्रेजुएट, मेरे टाइम में जब मैं पेपर देता था कई साल पहले, तो पास आउट, हम लोग जब पास आउट होते तब इस पेपर को देते थे या फाइनल ईयर के साथ भी दे देते दे थे। तो गाइस जनरली ये जो पेपर था प्रीवियसली, इट वॉज नोन फॉर द हायर एजुकेशन लाइक एमटेक, हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता था, तो ज्यादातर ग्रेजुएट बच्चे इसको देते थे, समझ में आ रही बात। अब ये थर्ड ईयर में भी देने लगे, फाइनल ईयर में भी देने लगे, तो हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप 2020 का पेपर अगर लिखने वाले हो तो आप हो सकता है थर्ड ईयर में होंगे या हो सकता है आप पास आउट होंगे। तो गाइज कहीं ना कहीं जब इस पेपर को आप दे रहे होंगे, तो अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इसको 2020 में देंगे, और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो जब आप इस पेपर को दे रहे होंगे तो आप ऑलमोस्ट ग्रेजुएट होने वाले होंगे, यस। और जो लोग पास आउट है वो ऑलरेडी ग्रेजुएट है, तो कहीं ना कहीं ये वाला टर्म आप सबके पास है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो इसको देने वाले हैं उनके पास ये ऑलरेडी है, और जो पास आउट है वो ऑलरेडी इसको लेके ही बैठे हैं, ग्रेजुएट है वो तो ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं चार चीजों में से एक चीज आपके पास है ना। एप्टीट्यूड की बात थोड़ी देर में करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं गाइस। टेस्ट, टेस्ट मतलब एग्जाम। गाइस एक बात बताइए, बचपन से लेके आज तक आपने क्या किया है? सिर्फ टेस्ट, क्योंकि आज तक आप पढ़ रहे हो। यस, जब आप पहली क्लास में थे फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उससे सेकंड स्टैंडर्ड में आपको आना था तो क्या किया, एग्जाम दिया, टेस्ट दिया। सेकंड क्लास से थर्ड में जाना था तो फिर टेस्ट दिया, थर्ड से फोर्थ में जाना था फिर टेस्ट दिया, फोर्थ से फाइव में जाना था फिर टेस्ट दिया, टेस्ट 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 टेस्ट, पूरी जिंदगी गुजर टेस्ट देते देते दे। फिर 12वीं पार करी, 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में आना था फिर से एंट्रेंस टेस्ट, और उसके बाद जब से इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हैं तब से इंटरनल, माइनर, मेजर, एक्सटर्नल, पता नहीं कितने तरीके के टेस्ट, टेस्ट 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 टेस्ट, जीवन गुजर गया टेस्ट देते देते। और मेरे बच्चों आप वही शख्सियत हो जो पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करते हो, और मेन एग्जाम से, सेमेस्टर एग्जाम से 3 रात पहले पढ़ने बैठते हो, और उन 3 रातों में आप अपने कॉलेज के, अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर हो जाते हो। तो गाइज इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सिंपल सा मतलब यह है कि आप बेहतरीन टेस्ट देना कोई नहीं जानता, आपके अंदर वो खूबी है कि आप 3 रात पढ़ के टॉपर बन जाते हो। तो सोचो अगर आप ढंग से 1 साल 6 महीने या 3 महीने लगातार पढ़ लोगे तो आप क्या कुछ नहीं कर दोगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इंडिया का जो आप ना निकाल पाओ, बस कमी यह है सर कि आपको आज तक ये कोई बता ही नहीं पाया कि हमें तैयारी किस वे में करनी है। तो गाइस आप लोग कमजोर नहीं हो, इस बात को समझिए कि आप अगर अपने कॉलेज एग्जाम को 3 रात पहले पढ़ के क्रैक कर सकते हो, तो अगर गेट में 1 साल ढंग से पढ़ लिए या 6 महीने ढंग से पढ़ लिए तो
तो गेट मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा तोप है। तो गाइज दिस टर्म शोज योर एबिलिटी, ये आपकी एबिलिटी को शो करता है क्योंकि आपसे बेहतरीन टेस्ट देना मुझे नहीं लगता कोई जानता है। तो गाइज ये चीज भी कहीं ना कहीं आपके पास है। नाउ इन इंजीनियरिंग ऑब्वियसली बात है, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इंजीनियर ही होंगे ज्यादातर, एक्सेप्ट टू और थ्री पीपल्स। तो गाइज अगर आप इंजीनियर हो तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, बट कहीं ना कहीं आप इंजीनियरिंग के टर्म से बखूबी वाकिफ हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मैकेनिकल सिविल इंजीनियर हो, आपसे पूछूं कि आपने स्ट्रेस नाम सुना है तो आप बोलेंगे यस, मैं बोलूं आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सुना है तो आप बोलेंगे यस, मैं बोलूं आपने स्ट्रेन सुना है तो आप बोलेंगे यस, मैं बोलूं आपने डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला पढ़ा है पीएल अपॉन ए तो आप बोलेंगे यस। तो डियर फ्रेंड कहीं ना कहीं आप गंवार नहीं हो, कहीं ना कहीं अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है। और माय डियर फ्रेंड अगर इतना भी है ना, बहुत है, अगर इतना भी आपको पता है ना कि यहाँ स्ट्रेस का फॉर्मूला पी बाई ए होता है इन सिंपल लैंग्वेज और डिफॉर्मेशन फॉर अ प्रिज्मेटिक बार पी एल अपॉन ए ही होता है, तो मेरे बच्चों आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं ये बोलूंगा। इतना ही चाहिए गेट के लिए, गेट के लिए बहुत बड़ी तोप नहीं चाहिए हमें, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद कि गेट एक्चुअली बला क्या है। तो गाइज ग्रेजुएट आप ऑलरेडी हैं या होने वाले हैं, टेस्ट देना आपसे बेहतरीन कोई नहीं जानता, और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की बेसिक नॉलेज आपको है ही है, यू आर वेल अवेयर विद द टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग। तो व्हाट इज मिसिंग? मिसिंग सर एक चीज है जो हर बच्चे में नहीं है, वो मैं बता दूं आपको, वो मिसिंग है एप्टीट्यूड। क्या मिसिंग है? एप्टीट्यूड। दिस इज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गेट, यही वो चीज है जो गेट के लिए एक्चुअली रिक्वायर्ड। और मैंने पिछले इतने सालों से पढ़ा रहा हूं भाई, मैंने देखा है बच्चे के अंदर एप्टीट्यूड की कमी है। कौन सा एप्टीट्यूड? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल एप्टीट्यूड जो आप अपने 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ते थे, वर्क एंड डिस्टेंस है ना, एलिगेशन मिक्सचर, परसेंटेज एरर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एप्टीट्यूड, आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। कौन सा एप्टीट्यूड? इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। ये कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर मिसिंग है, बस यही चीज आपको अपने गेट के पेपर में समझनी होगी, यही चीज है जो गेट के लिए एक्चुअली रिक्वायर्ड है, दैट इज द एप्टीट्यूड। बस एप्टीट्यूड डेवलप करना है आपको, किसका एप्टीट्यूड? इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड। अब आप बोलेंगे कि सर ये एप्टीट्यूड क्या भला है, तो 50 लोग इसके 50 आंसर देते हैं, सर ये एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी है, वो सब कुछ ठीक है। मैं इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एप्टीट्यूड। सर ध्यान से सुनिएगा एप्टीट्यूड का मतलब क्या है और गेट को कैसे इसको गेट से रिलेट करना है। सर इमेजिन करिए कि मेरे हाथ में एक बॉटल है, यस, एक पानी की बॉटल है और इस बॉटल में हाफ हाइट तक पानी भरा हुआ है, आधी हाइट तक, आधी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। अब उस बोतल को मैं आपको दिखाऊं और बोलूं कि गाइस इस बोतल के बारे में कमेंट करो, इस बोतल के बारे में कमेंट करो, तो आप क्या बोलोगे? कुछ लोग बोलेंगे कि बोतल आधी खाली है, कुछ लोग बोलेंगे बोतल आधी भरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ लोग बोलेंगे बोतल आधी खाली है, कुछ बोलेंगे बोतल आधी भरी है। यानी एक ही सिचुएशन को देखने के कितने नजरिए हो गए? दो। एक ही सिचुएशन को देखने के दो नजरिए हो गए, और ये नजर ही एप्टीट्यूड है। इन सिंपल लैंग्वेज एप्टीट्यूड है नजरिया, किस नजर से आप क्वेश्चन को देख रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, मान लो ये गेट में क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन का सही आंसर तब आएगा जब आप इस बोतल को भरा हुआ देखें। क्या देखें? आधा भरा हुआ, तो आंसर सही आएगा। अब कोई कंडीशन एक ही है, अब मैंने क्वेश्चन बना दिया इस बोतल के ऊपर, कंडीशन एक ही है, और माइंडेड आंसर सही कब आएगा? जब आप बोतल को आधा भरा हुआ देखें, माइंडेड प्लीज। लेकिन अगर आपने बोतल को आधा खाली देख लिया, कोई कंडीशन तो एक ही है। अब उसके दो नजरिए, एक नजरिया बोलता है कि बोतल आधी भरी है, एक नजरिया बोलता है बोतल आधी खाली है। तो अगर आपने बोतल को आधा खाली देख लिया, आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। समझ में आ रही बात? यही गेट करता है सर। 54 का क्वेश्चन आता है गेट के अंदर, 54 का सर, 54 का। लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, क्यों? अपने गलत नजरिए की वजह से, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग को आज तक जाना ही नहीं है, हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं, हम केवल नोट्स बनाते हैं, हम आज तक इंजीनियरिंग को समझे ही नहीं है। और गाइस मैं बोलता हूं इंजीनियरिंग को समझना सबसे आसान है, बिकॉज इट इज ऑल अराउंड। अपनी नजर घुमा के देखो तो आप इंजीनियरिंग से घिरे पड़े हो, बस जरूरत है उस चीज को जब आप देखो तो उसके पीछे क्वेश्चन लगा दो, व्हाई। क्या क्वेश्चन लगा दो? व्हाई, ये ऐसा ही क्यों है, इसमें मगर ऐसा कर दूं तो क्या हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो गाइस इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को डेवलप करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, अपनी नजर को खोल लो आज, मतलब चीजों को देखना चालू करो। फॉर एन एग्जांपल, आपसे मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे
जो इंडियन रेल में सफर किए होंगे, इंडियन रेलवेज के अंदर सफर किए होंगे, है ना, इंडियन रेलवे में ट्रेवल किया होगा। तो आपसे मैं पूछूंगा छोटी सी बात, आप लोग इंजीनियर हो, तो मैं रेल की पटरी बनाने जा रहा हूं, मान लो ये रेल की पटरी है और ये स्लीपर्स हैं, ठीक है, सीमेंटेड स्लीपर्स हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गाइस रेल की पटरी जो होती है, भारतीय रेल की पटरी, उस पटरी के बीच में यहां पे गैप देते हैं वो लोग, क्या देते हैं, गैप, छोटा सा कट बनाते हैं यहां पे, गैप देते हैं। क्यों देते हैं गैप? अब आप लोग बहुत उछल के बोलेंगे, अरे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया आपने। गैप इसलिए देते हैं क्योंकि गर्मी पड़ेगी तो पटरी एक्सपेंड करेगी, थर्मल एक्सपेंशन होगा, और अगर गैप नहीं होगा तो पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ड्रेलमेंट हो जाएगा, ट्रेन गिर पड़ेगी। बिल्कुल सही आंसर है भाई साहब, कौन मना कर रहा है। बट जब आप दिल्ली पहुंचते हो, कहाँ पहुंचते हो, दिल्ली, ध्यान से सुनेंगे। अब आप दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में आप मेट्रो स्टेशन पर गए, तो मेट्रो स्टेशन में जनरली एक प्लेटफॉर्म यहाँ होता है, एक प्लेटफॉर्म यहाँ होता है, एक रेलगाड़ी इधर जा रही होती है मेट्रो, एक मेट्रो इधर जा रही होती है, ठीक है। क्या कभी आपने चेक किया कि उस मेट्रो के रेल ट्रैक में भारतीय रेल ट्रैक की जगह तरह गैप नहीं है? आर गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपने कभी नजर गई आपकी वहां पे कि जो मेट्रो रेल है उसके अंदर भारतीय रेल की तरह गैप नहीं है, जबकि पटरियां दोनों सेम है, सेम सेम ब्रॉड गेज में बनी हुई है? तो क्या दिल्ली में गर्मी नहीं पड़ेगी? मैं बात कर रहा हूं डीएमआरसी की, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो क्या दिल्ली में गर्मी नहीं पड़ती? क्या वहां की पटरी एक्सपेंड नहीं करेगी? तो गाइस एक्चुअली आपकी नजर वहां पड़ी नहीं। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हम लोग तो इधर उधर ताक रहे थे, यस और नो? कि हमें जहां ताकना चाहिए वहां तो ताकते नहीं, हमारी नजर जहां जानी चाहिए, अगेन मैं बात करूं नजरिए की, जहां हमारी नजर जानी चाहिए वहां तो हम देखते नहीं है, हम कहां देख रहे हैं, हम इधर उधर देख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि मेट्रो रेल के प्लेटफॉर्म पर जब आप खड़े होते हो तो बड़ी तेजी में मेट्रो आती है और अचानक से रुक जाती है, तो क्या कभी सोचा कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम है उसके अंदर? बीइंग एन इंजीनियर आपको इसको पूछना चाहिए अपने आप से कि अचानक से ब्रेक आई, मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप हो, अचानक से गाड़ी आई और अचानक से रुक गई एकदम से, कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम है? उसके दरवाजे अपने आप खुलते अपने आप बंद होते हैं, कौन सा मैकेनिज्म लगा रखा है? गाइस यही क्वेश्चन जब पूछना चालू करोगे ना अपने आप से, आपका एप्टीट्यूड अपने आप डेवलप हो जाएगा, आपका ये जो एप्टीट्यूड है अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन था मेरा, जिस तरह से इंडियन रेल के ट्रैक में गैप होता है, दिल्ली मेट्रो के रेल ट्रैक में गैप नहीं होता, और ये चीज आज तक हम पकड़े नहीं पाए, या हो सकता आपने पकड़ी होगा दो बच्चों ने। तो गाइस यही चीज है, नजर का खेल है सारा। अब चलो मान लो आपने देखी भी ये चीज कि यहां का गैप नहीं है, तो क्या अपने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये गैप क्यों नहीं है और किस लिए नहीं है? इन्हीं क्वेश्चन को जिस दिन आप बेटा अपने आपसे पूछने लगोगे ना, मैं बता रहा हूं आपसे बेहतरीन इंजीनियर कोई नहीं होगा दुनिया में। सबसे जरूरी है अपनी नजर को खोल लो, आप जैसे कुछ भी आपको नया दिखे, जैसे आपको लगे कि यार ये ऐसा कैसे बन गया, उसके पीछे क्वेश्चन लगा दो वाय, कि ये क्यों है, ये कैसे है, ये किसने किया, और मैं अगर इसमें ये चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा। और इन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए गाइस आपको किसी की जरूरत नहीं है, आजकल बेटा गूगल बाबा अवेलेबल है, नेट पर सर्च मारो, आपके पास इतने सारे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, कहीं ना कहीं आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। जरूरत है आपको क्यूरियोसिटी डेवलप करने की, कि पहले आप जिज्ञासु बनो कि हाँ मुझे जानना है। तो गाइस एप्टीट्यूड को डेवलप करने का सबसे सिंपल तरीका है इंजीनियरिंग को देखना चालू करो, जब भी कुछ देखो यार अपने आप से पूछो कि ऐसा क्यों है। आप बचपन से, मतलब 7वीं 8वीं क्लास से, मैं समझता हूँ कि आप बॉल पेन से लिखते हुए आ रहे हो, है ना, आप बॉल पेन से लिखते हुए आ रहे हो। क्या आप, अगर आपको ये नहीं पता कि आपका बॉल पेन जिससे आप लिख रहे हो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो गाइस आपको डूब जाना चाहिए। तो मैं आपके मॉरल को डाउन नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि प्लीज जागो। मेरा जो आज का लेक्चर है वो इसीलिए है कि जागो, पहले जानो गेट को। केवल तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, अगर आप केवल तैयारी कर रहे हैं, केवल क्लासेस ले रहे हैं, तो आप सेलेक्ट नहीं होने वाले, आपको पहले समझना होगा कि गेट क्या चाहता है। तो गाइस ये चीज आपके पास ऑलरेडी थी, एज आई टोल्ड यू, टेस्ट में आप बहुत बेहतरीन है और इंजीनियर आप लोग ऑलरेडी है ही, बस एक छोटी सी चीज की जरूरत है सर, मैं फिर बोल रहा हूँ, दैट इज अ एप्टीट्यूड। और इसको डेवलप करने के लिए कुछ नहीं, चीजों को विजुलाइज करना चालू कर दो, चीजों को देखना चालू कर दो, जितनी अच्छी विजुलाइजेशन पावर आपकी होगी उतना ही ज्यादा गेट में आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है गाइज? तो नजर को बढ़ा लो अपनी को और देखना चालू करो चारों तरफ, ठीक। तो अभी तक के इस पूरे लेक्चर में वास्तव में इतनी बात कहना चाहता हूं कि एप्टीट्यूड, ये एप्टीट्यूड आपके अंदर मिसिंग है, बस इसको आपको डेवलप करना है, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना, विजुलाइजेशन पावर बढ़ाइए, चीजों को देखना चालू करिए, क्योंकि गेट बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, अगर आप उसको विजुलाइज कर पाएंगे चुटकी में आंसर आ जाएगा, विजुलाइज नहीं कर पाएंगे तो कभी आंसर नहीं आएगा, तो सारा खेल विजुलाइजेशन का है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आगे मूव करते हैं ना। अब मुद्दा ये है कि सर गेट में हम अप्रोच कैसे करें, हाउ टू अप्रोच इन गेट।
गाइस गेट का पेपर 100 मार्क्स का होता है, आप और हम सभी जानते हैं, ठीक। इसके जनरली तीन पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, एक पार्ट होता है जनरल एप्टीट्यूड का, और एक पार्ट होता है टेक्निकल। ये तीन पार्ट इसके अंदर होते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 15 नंबर की होती है, यस, इसका वेटेज 15 नंबर का। जनरल एप्टीट्यूड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंग्लिश का पार्ट प्लस एक होता है जनरल एप्टीट्यूड, और यू कैन से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नॉट जनरल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है इसके अंदर। रीजनिंग बहुत कम आती है गेट के अंदर, है ना, ऑलमोस्ट नेगलिजिबल। अब इंग्लिश का जो पार्ट है वो करीब 3 से 5 मार्क्स का होता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट होता है 10 से 12 नंबर का। तो गाइस अगर 3 नंबर की इंग्लिश आ रही है तो 12 नंबर का क्वांटिटेटिव आएगा, 5 नंबर की इंग्लिश आ रही है तो 10 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, यानी कुल मिला के 15 नंबर का ये जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट आने वाला है। इसके अलावा टेक्निकल, ये जो टेक्निकल पार्ट है इसको मैं इंजीनियरिंग पार्ट भी बोल सकता हूँ, ये जो इंजीनियरिंग पार्ट है ये आएगा 70 नंबर का। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि गाइस किस पार्ट में हम ज्यादा फोकस करें। अब आप लोग इंजीनियर्स हो, आपको बड़ा अपने अंदर फीलिंग आती है भाई हम तो इंजीनियर हैं, तो लोग बोलते हैं कि सर इंजीनियरिंग को फोकस करेंगे हम 70 मार्क्स, जनरली यही होता है, 70 नंबर एक तरफ 30 नंबर एक तरफ, तो 70 की बात करें पहले। तो मेरे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नॉर्मल लोगों की सोच है, उल्टा सोचते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा गाइस, हर शख्स जो जीतता है वो कुछ नया नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से करता है। अरे बात समझ में, हर शख्स जो जीतता है वो कुछ नया नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से करता है। तो अलग, इस अलग वर्ड को जिस दिन आप अपने भेजे में घुसेड़ दिए ना, उस दिन आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। अलग करना सीखो, दुनिया क्या कर रही है कोई मतलब नहीं, हम कुछ अलग करेंगे। तो सबसे पहले टेक्निकल पार्ट इंपॉर्टेंट है आई नो, बट उसको साइड करते हैं। आपको कैसे गेट में अप्रोच करनी है, कैसे रैंक लानी है उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। गाइस अगर आप सिविल और मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो मेरी बात मत मानो, मैं बड़ा झूठा आदमी हूँ, है ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप जाके गेट के 30 साल का इतिहास उठा के देखो, प्रीवियस 30 ईयर को एक बार चेक करो, और चेक करो कि सिविल और मैकेनिकल में इंजीनियरिंग मैथ्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस आपको पता चलेगा कि 54 भर के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सिविल और मैकेनिकल में। यस, ईसी इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा टेढ़ा आता है मैथमेटिक्स, क्योंकि उनका सिलेबस, उनके जो कोर सिलेबस हैं वो मैथमेटिक्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईसी की बात करूं मैं, कम्युनिकेशन उनका एक सब्जेक्ट है, पूरा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो गाइस उनकी बात करूँ तो उनके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स टेढ़ा हो सकता है, बट अगर आप मैकेनिकल और सिविल के बच्चे हो तो मेरे बच्चों सुन लो ध्यान से, यू कैन गेट 15 आउट ऑफ 15, 15 में से 15 नंबर ला सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर, अगर आप सिविल और मैकेनिकल से हो। 54 भर के क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, बस जरूरत है मैथमेटिक्स को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की। नाउ तो आप यहाँ पे 15 में से 15 ला सकते हैं। अभी इधर आइए, तो क्या बोलने जा रहा हूं मैं, टेक्निकल पार्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, इसको साइड कर दिया मैंने, लेकिन पहले हम फोकस करेंगे किस पर, मैथमेटिक्स पे। मतलब जब भी आपको जो भी मैथमेटिक्स पढ़ाएगा आप उसको प्लीज अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ 15 में से 15 नंबर आपके आने वाले हैं। समझ में आ रहा है गाइज? एक बात याद से सुन लो, हमें दुख कब होता है, हमें मतलब हमें बुरा कब लगता है, जब कोई चीज हमें आते हुए लगे कि भाई यार, एक क्वेश्चन आया फॉर एग्जाम्पल कि 2 + 2 कितना होता है, अब इसका आंसर 4 है हम जानते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, आपको लगा भाई यार मैं कर ही नहीं पाया, तो कितना दुख होगा। तो वही चीज बताने जा रहा हूँ गाइज, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं गेट के अंदर मैथमेटिक्स में, 54 भर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना ताकि आप 15 में से 15 नंबर ला पाओ, क्योंकि ये टफ पोर्शन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक। अब आते हैं इंग्लिश, अब इंग्लिश का वेटेज चेक करो, 3 नंबर का वेटेज है गाइस। अब मैं इसके लिए बोलूँ कि 3 नंबर के लिए आप क्या करो, हिंदू अखबार पढ़ो, उसमें से रोज डेली 20 वर्ड याद करो, उन 20 वर्ड की मीनिंग रटो। तो क्या आपके इतना समय है? सुबह आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज का उसके बाद असाइनमेंट भी दोगे, जॉब जॉब बोल रहे तो जॉब पे भी जाओगे, फिर इंग्लिश अखबार भी पढ़ोगे। तो भाइयों और बहनों मैं सिंपल सी बात बता दूं आपको, मैं ये नहीं कहता इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट मैं कहता हूँ भूल जाओ इंग्लिश, नहीं चाहिए 3 नंबर मुझे नहीं चाहिए 3 नंबर, मैं 97 का पेपर करके आऊंगा, मेरे लिए गेट का पेपर 97 का, भूल जाओ 3 नंबर। समझ में आ रही बात? क्योंकि यार इस 3 नंबर के लिए हम क्या करेंगे दिन रात, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको अलग से 6 महीने देने पड़ेंगे अच्छे से इंग्लिश पढ़ने के लिए, और वेटेज कितना है 3 नंबर का। तो उस 3 नंबर के लिए अगर मैं इंग्लिश की क्लासेज अलग से ले रहा हूँ तो गाइज थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि फिर आप इधर और इधर फोकस नहीं कर पाओगे। तो लग हुआ अच्छा तो कोई ईजी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको,
अगर लक अच्छा नहीं है तो फिर गाइस आप कितनी भी मेहनत करना है इसमें, तो इंग्लिश अपने आप में पढ़ने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए भाई। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बस इतना ही बोलूंगा कि हाँ ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेना इंग्लिश का, ठीक है, टेंस वेंस थोड़े से देख लेना, कोई का सेंटेंस वेंटेंस कुछ आ जाए तो अपने आप ये बेटा आपका तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ, मान के चलो कि मैं 97 का पेपर देने जा रहा हूँ। नाउ अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, ये आएगा 12 नंबर का। अब देखिए सोने पर सुहागा वाली बात क्या है कि गेट के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है, पहले मैनुअल कैलकुलेटर था, अब ऑलरेडी आपका वर्चुअल कैलकुलेटर है जो आपके स्क्रीन पर होगा। तो कुल मिला के आप ऑलरेडी इंजीनियर्स हो, आपका मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड ऑलरेडी अच्छा होता है, और ऊपर से आपको क्या मिल गया, ऊपर से आपको कैलकुलेटर और दे दिया गया, तो सोने पर सुहागा हो गया, यानी कि आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। तो गाइज अगेन मेरी बात मत मानिए, जाके गेट का इतिहास उठाइए और चेक करिए कि एप्टीट्यूड का लेवल क्या है। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गेट के अंदर आता है ना, वो आपके बैंक पीओ से कई गुना छोटे लेवल का होता है। तो जरा बैंक पीओ से कंपेयर कर रहा हूँ, बस इमेजिन आप लोग इंजीनियर्स हो, ठीक है, ये बिल्कुल क्लेरिकल लेवल का एप्टीट्यूड इसके अंदर आता है, बहुत ज्यादा लेवल उसका नहीं होता। तो अगर आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो डियर फ्रेंड यू कैन गेट 12 आउट ऑफ 12 हेयर, ठीक है गाइस। और यहाँ कितने नंबर आए आपके, 3 में से 0, मैं मान लेता हूँ 3 में से कोई नंबर नहीं मिले आपको। तो कुल मिला के अभी तक आपने कितने नंबर का पेपर अटेंड किया, आपने पेपर अटेंड किया 30 नंबर का, 15 ये 3 ये 17 और 18 और 12, 30, 30 में से आपके नंबर कितने आ गए, 15 और 12 27। अगर आप कट ऑफ उठा के देखो सिविल की तो करीब 24 25 26, अभी थोड़ा सा ज्यादा जाने लगे, 30 को क्रॉस कर रही है, बट अगर आज से मैं 2 3 साल पहले के पैटर्न की बात करूं तो गाइस 27 नंबर पे यू आर क्वालिफाइड। तो अप्रोच समझिए सर, अगर आपको क्वालिफाई करने का मन है तो मैं बोलता हूं बिल्कुल टेक्निकल पढ़ो ही मत। गाइज मैंने आपको यहाँ क्वालिफाई करा दिया विदाउट लर्निंग द टेक्निकल पोर्शन, तो यही चीज आपको समझनी है, अप्रोच को समझिए। तो ये वो पार्ट है सर जो 27 नंबर आपके धरे हुए हैं एकदम, अगर आपने थोड़ी सी अच्छे से मेहनत कर ली तो ये ऐसा पार्ट है जो बहुत ईजी आता है गेट के पेपर में, समझ में आ रही बात। चलिए अब आते हैं इधर 70 नंबर के पार्ट में। अब गाइज मैं कभी भी आपको 70 में से 70 यहाँ पे नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है आ नहीं सकते, लेने वाले बच्चे लाए भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने 100 में से 98 मार्क्स तक लेके आए हैं, बट प्रैक्टिकली सोचे तो बहुत टफ काम है। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए सर क्योंकि पेपर का नाम क्या था, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग यानी एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, यानी कि जितना पेपर घुमाया जाता है वो टेक्निकल सेक्शन में घुमाया जाता है, समझ में आ रही बात। जितना टफ पेपर वो बनाएगा वो टेक्निकल सेक्शन में बनाएगा, ना कि यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे इजी क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा घुमावदार पेपर बनता है टेक्निकल पार्ट में, क्योंकि पेपर का नाम है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, तो आपका वो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट करने वाला है। इसलिए गाइस जितने भी आईआईटी के प्रोफेसर है जब वो पेपर सेट करते हैं तो 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर जो आपसे होंगे ही नहीं, दिमाग में बैठा लो कि टोटल 65 क्वेश्चन आते हैं गेट के पेपर में, उनमें से 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपसे होंगे नहीं, तो कुल मिला के 60 नंबर का 60 क्वेश्चन आपको कुल मिला के करना है एक तरह से। तो गाइज यहां पे मैं आपको देता हूं, मैं आपके 6 नंबर काट काट लेता हूं उसमें से, लेकिन आप 64 मार्क्स डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हैं 70 में से। तो अगर मैं इसको और इसको मिला दूं तो कितने नंबर हो गए, 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया और कितने नंबर आ गए आपके, 27 और 64 91। और मेरे बच्चों अगर ऐसा है तो आपकी ऑल इंडिया रैंक होगी 1 1 2 3, और ये अचीवेबल मार्क्स हैं जो कोई भी बच्चा अचीव कर सकता है अच्छी मेहनत के साथ, ऐसा नहीं है कि हवाबाजी कर रहा हूं, ये अचीवेबल मार्क्स हैं जो कोई भी बच्चा अचीव कर सकता है, और इतने मार्क्स आए हैं बच्चों के। बट अगेन मैं बोलता हूं कि यार एक एक रैंक छोड़ो, हमें तो जॉब लगानी है, बात खत्म। तो गाइज थोड़ी सी कुछ बच्चों से सिली मिस्टेक्स भी होती हैं, ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स के आप 5 नंबर कम कर दो, मान लो आपसे कोई सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई सिली मिस्टेक हो गई, और आपसे जो सिली मिस्टेक्स के मैं मार्क्स कम कर देता हूँ, सिली मिस्टेक्स आपने कर दी कोई, ठीक है, आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी, अब जब सिली मिस्टेक होगी
तो बेटा ये हर बच्चे से होती है, वो कितना बड़ा टॉपर हो, तो मैं 5 नंबर और कम कर दे रहा हूँ। तो सिली मिस्टेक से 5 नंबर इसमें से कम कर दो तो कितने आ गए, 86। 86 छोड़ो, अभी आप 1-2 नंबर और कम, तो 84। 84 वो मार्क्स हैं जो हर बच्चा बहुत आसानी से ग्रेस्प कर सकता है, बस तो जरूरत है उसको समझने की, ठीक। और 84 मार्क्स पर आपके पास सारे IITs का कॉल लेटर आएगा, ठीक है। 84 मार्क्स पर आपको सारी जॉब के ऑफर लेटर आएंगे, तो बेटा यही आपका टारगेट होना चाहिए। तो इसको अचीव करने के लिए मेरे बच्चों आपको ये मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से फोकस करना है, उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर, ये दो पार्ट ऐसे हैं जो आपकी बैकबोन है, इसी से आपका गेट का पेपर निकलेगा। इमेजिन करो आपने इन पे फोकस नहीं किया, तो गाइस 27 नंबर इसमें से कम कर दो। जैसे 27 नंबर कम करे, कितने के किस में पहुंच गए आप, 50 के रेशियो में पहुंच गए, समझ में आ रही बात। जैसे 50 के उसमें पहुंचे आप मार्क्स में, कुछ नहीं होने वाला फिर। तो इसीलिए मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पर अच्छे से फोकस आप लोग करने वाले हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच इतना समझने के लिए, अब आगे मूव करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं उसको दिमाग में बैठा लो कि यही सब कुछ है। जो प्रीवियस था वो ठीक है, गेट में ऐसे अप्रोच करनी है, लेकिन उसके बावजूद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं योर मिस्टेक्स इन गेट। गाइज ये जो 5-6 पॉइंट है, इन पर अगर आप फोकस करेंगे तो दिस इज माई प्रोमिस कि आप सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे। और इन पॉइंट्स को समझ लेना बस, ठीक है। और ये पॉइंट्स मैंने हवाबाजी में नहीं लिखे हैं, मैंने पिछले 3-4 सालों में अपने सारे जो टॉपर्स लोग थे उनको कलेक्ट किया और पूछा, बेटा क्या रीज़न है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने जो जो बातें मुझे बताई, मैंने करीब 100 स्टूडेंट्स के ऊपर ये एनालिसिस किया, तब जाके मैंने ये बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहली जो मिस्टेक आपकी वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब आप बोलोगे अरे सर क्या कर रहे हो यार, ये क्या नई चीज़ बता रहे हो आप हमें, हमें पता है ये चीज़, तो जब पता है तो करते क्यों नहीं हो। जब आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो फिर क्यों प्रैक्टिस नहीं करते आप। मैंने देखा बच्चों को एक बार सिलेबस कर लिया, एक बार सब क्वेश्चन लगा लिया, उसका बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि दिसंबर में तैयारी करेंगे जाके। भाई प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए आपकी, करते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज्यादा आप निखरोगे, इस बात को दिमाग में बैठाइए। तो मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये आप और हम सब जानते हैं, शुरू से हमारी फैकल्टीज बोलते आ रहे हैं बचपन से कि बेटा रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे आप बढ़ोगे गाइस। तो प्लीज इस पॉइंट को हल्के में मत लेना, प्रैक्टिस इज द ओनली की, माइंड इट प्लीज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप नोट्स को रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पर काम करिए प्लीज। नेक्स्ट, ओवर कॉन्फिडेंस। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस होता क्या पहले समझ लेते हैं। मैं कंडीशन लेता हूँ गाइस, कंडीशन ये है, आप सबसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बचपन में हम छोटे थे तो हम पैदल चलते थे, तो हम साइकिल पर चलने वाले अपने भाई बहनों को या दोस्तों को देखते थे और यार साइकिल पर चल रहे थे, पता नहीं साइकिल कैसे चलती होगी, तो हमें डर लगता था, पता नहीं यार साइकिल कैसे चलाते होंगे, भाई साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं। फिर जब हम बड़े हुए तो हमने जैसी साइकिल चलाना सीखा तो हमें ये तो बहुत ईजी चीज़ है यार, धीरे धीरे हम साइकिल चलाना सीख गए। तो जब हम छोटे थे तो हम साइकिल को देखते थे तो हमें डर लगता था, पता नहीं चला पाएंगे कि नहीं, लेकिन हमने चलाई तो सीख गए। फिर सिमिलरली जब साइकिल पर आए तो हम अपने पापा लोगों को, अपने चाचा लोगों को या अपने किसी को देखते थे जो बाइक पर या स्कूटर पर जा रहा है, तो हमें लगता था यार कैसे चला लेते हैं यार, 8वीं 9वीं क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, पता नहीं हम कब चला पाएंगे, हम चला भी पाएंगे कि नहीं, पता नहीं कैसे चलता होगा, किक भी मारना है, एक्सीलेटर भी देना है, गियर भी डालना है, पता नहीं क्या क्या करना है। तो डर था एक कि पता नहीं चला पाएंगे कि नहीं, लेकिन जैसे ही हमने उसको चलाया सीख गए हम सारा कुछ। सेम काम जब हम स्कूटर पर जब और उस पर चलते हैं बाइक पर, तो हम कार वाले को देखते हैं तो हमें लगता है यार पता नहीं कैसे चलती होगी यार, स्टीयरिंग भी घुमाना है, दो पैर भी चलाने हैं, गियर भी चलाना है, पता नहीं कैसे चलती होगी, लेकिन जब कार चलाना सीखे मैं चल गया। तो कुल मिला के मैं इस एग्जाम्पल से ये समझा रहा हूँ आपको कि जब हम अपने से ऊपर लेवल की चीज़ को देखते हैं तो हमें उसको लेके डर पैदा होता है कि पता नहीं हम इसको चला पाएंगे कि नहीं, हमको सीख पाएंगे कि नहीं, समझ में आ रही है बात। जैसे कि मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, साइकिल वाले जब स्कूटर वाले को देखते तो लगता है पता नहीं चला पाएंगे कि नहीं, और जब स्कूटर वाले कार वाले को देखते पता लगता है कि चला पाएंगे कि नहीं, लेकिन जब हम चलाते तो हम समझ में आता है। सिमिलरली अभी आप लोग कॉलेज गोअर हो या कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, तो जब आप गेट के क्वेश्चन को देखते हो तो आपको डर लगता है ना कि यार पता नहीं यार क्या क्वेश्चन पूछ लिया यार, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा यार, तो एक डर है और डर लगना लाजमी भी है गाइस। अब मैं जरा दो कंडीशन देने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जब हम स्कूटर पे थे या बाइक पे थे और जब हम कार को देख रहे हैं तो हमें डर लग रहा है, सिमिलरली मैं दो सिमिलर कंडीशन यहाँ पे बताने चल रहा हूँ। और जब हम कॉलेजेस में हैं, नॉर्मल स्टडी अपनी कर रहे हैं, और जब हम गेट के क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो हमें उससे भी डर लग रहा है। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस भला क्या है। अब जब आप पहली बार कार चलाना सीखते हो, आपने मान लो कोई कोई ड्राइवर को हायर किया भी कार सिखाने के लिए, तो वो क्या करता है, वो आपको कार में ले जाता है, एक फील्ड में ले जाएगा, फील्ड में 1-2 घंटे के लिए आपको कार चलाना वो सिखाता है कि ये गियर है, ये स्टेयरिंग है, और ये ABC, एक्सेलेरेटर ब्रेक एंड क्लच।
और आप क्या करते हो, एक घंटे बाद उस कार को उस फील्ड में घुमाने लगते हो और आप गियर भी डाल लेते हो, दो तीन घंटे की प्रैक्टिस, आपको लगता है अरे यार क्या बात है, बड़ा ईजी है कार चलाना तो यार। और ये होता है सबके साथ, होता है मेरे साथ भी हुआ। तो हमें, हम बाइक चलाते थे और एक दिन या दो दिन के अंदर ही हमें लगता है अरे यार कार चलाना आ गई। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। अभी जब कॉलेज में गेट को देखते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन जब हम गेट की प्रिपरेशन करते हैं, जब हम गेट की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और जब फैकल्टी हमें गेट के क्वेश्चन लगवाता है, अब कॉन्सेप्ट को समझाता है, तो हमें लगता है तेरी इतना इजी था क्या? जिस तरह से यहाँ पे क्या लग रहा था, कार चलाना इजी है क्योंकि आपने अभी एक ही बार कार को चलाया। तो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिए। जब आपने एक या दो दिन कार चलाई, फील्ड में आप कार को घुमाने लगे, आप गियर डालने लगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि अरे यार कार चलाना तो बड़ा इजी है यार। सिमिलरली जैसे आपने गेट की प्रिपरेशन करी, आप क्लास में पहुंचे, आपको कोई कॉन्सेप्ट जो पूरे 5 साल 4 साल कॉलेज में समझ नहीं आया, वो गेट की फैकल्टी ने आपको चुटकी भर में समझा दिया। अब गाइस जैसे ही ये जो कॉलेज में थे तो गेट के क्वेश्चन से डर लग रहा था, और आज जब गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस वो क्वेश्चन आपको कैसा लगने लगा, चवन्नी भर का। आपको लगने लगा अरे तो इजी सा क्वेश्चन है, अरे यार इतना इजी होता है। तो एक कॉन्फिडेंस आया आपके अंदर कि अरे गेट का पेपर तो मैं निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना आपके अंदर, दोनों ही केसेस में, इस केस में और इस केस में, ये जो कॉन्फिडेंस है यही ओवर कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि अभी आपको कार चलाना आई नहीं है, सिर्फ आपने उसको समझाया कि अच्छा ऐसे ऐसे चलती है और आप उसको चलाने लगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि जाइए और भीड़ भरी भीड़ में चलाइए जाके, तो आप 10-5 लोगों को काट के कुचल दोगे, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस नहीं भीड़ में चलाने की। सिमिलरली अभी जो यहां पे कॉन्फिडेंस आपको आया है ना, वो केवल एक बार क्वेश्चन लगाने से आया है, 4 महीने बाद उसको भूल जाओगे आप। समझ में आ रही बात? तो गाइज एक बार, मैं फाइनली ये बोल रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन लगाने से, एक बार नोट्स पढ़ने से, एक बार लेक्चर देखने से जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होता है, वही आपका ओवर कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए उस ओवर कॉन्फिडेंस को पॉजिटिव कॉन्फिडेंस में तब्दील करने के लिए, बदलने के लिए, आपको बार बार क्या करना होगा, रिविजन करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। तो जिस तरह से बेटा बार बार कार चलाने से आप बार बार कार को चला के ले जाने लगे, सड़कों पे ले गए, गलियों में ले गए, धीरे धीरे क्या हुआ, 5-6 महीने बाद आप कार में इतनी महारत हासिल हो गई आपको कि आप कार को आप एक उंगली पे घुमाते हो, स्टीयरिंग को एक उंगली से नचाते हो। सिमिलरली जितनी बार आप गेट के वही क्वेश्चन बार बार लगाओगे, वही नोट्स बार बार पढ़ोगे, रिविजन बार बार करोगे, तो वही सेम चीज आपके साथ यहाँ भी होने वाली है। तो आप फिर गेट के क्वेश्चन को ऐसे समझ जाओगे और आपके अंदर गेट की अप्रोच डेवलप हो जाएगी, आपको गेट में क्वेश्चन कैसे करने हैं। और जब 3-4-5-7 बार के बाद जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो होगा आपका पॉजिटिव कॉन्फिडेंस। वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो होगा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूं। तो गाइस प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिए, एक बार क्वेश्चन लगाने से, एक लेक्चर लेने से, एक बार चीजों को पढ़ने से जो कॉन्फिडेंस आता है, वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस होता है। उसे पॉजिटिव कॉन्फिडेंस में तब्दील करने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन करना होगा, और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, दैट विल बी बेस्ट कॉन्फिडेंस। फिर आप कुछ भी कर जाओगे गेट के अंदर। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। लैक ऑफ लिसनिंग एबिलिटी, सुनने की क्षमता में कमी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहरे हैं, आपको सुनाई नहीं देता। इसका मतलब ये है, कुछ लोग क्या होते हैं, यहां से सुना यहां से निकाल दिया, कहते ना एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। तो गाइस अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है समझिए ध्यान से, बहुत बड़ा पॉइंट बताने जा रहा हूं जो बच्चे जनरली गलती करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे टॉपर होते हैं, या प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं, तो उनको लगता है कि उनसे बेस्ट कुछ है ही नहीं। अरे यार तुम टॉपर कैसे बने हो, रट के टॉपर बने हो यार, 3 रात पहले तुम्हें रट लिया, तो पेपर में जाके छापा है, बन गए टॉपर आप। आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब नहीं पता होता, आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टफनेस नहीं पता होता, और आप बात करो तो आप टॉपर हो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि ये जो आपके अंदर कमी है ना, कि आपको लगता है कि आप ही बेस्ट हो, इसको प्लीज साइड कर दो। तो लैक ऑफ लिसनिंग एबिलिटी का मतलब है सुनने की क्षमता में कमी। किसकी सुननी है आपको? अपने मेंटर की। इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूं, हो सकता है आप में से बहुत से लोग मुझे गाली दे रहे होंगे कि यार पता नहीं क्यों बकवास कर रहा है। तो यही कमी की बात कर रहा हूं मैं। जिसको ये बकवास लग रही है ना, तो बेटा मैं लिखित में दे रहा हूं, आप गेट नहीं निकालने वाले। तो प्लीज बकवास नहीं है, इसको समझिए। समझिए कि जो बंदा सामने बैठा है वो कुछ एक्सपीरियंस लेके बैठा है, वो क्यों आपको इस बात को बोल रहा है। तो मैंने अक्सर देखा है कि जो टॉपर बच्चे होते हैं सुनते ही नहीं है। कुछ लोग क्या होता है, बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको सोम पढ़ाता हूँ। मैंने बोला कि गाइस सोम के नोट्स हैं मेरे, ये सोम के मेरे नोट्स हैं, इन नोट्स को पढ़ो, इन नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
अब आप क्या करोगे, अबे तू तो बोलता रहे यार, अब तो अपनी करेंगे, तो ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सुनते ही नहीं है, जो अपने मेंटर को कुछ मानते ही नहीं है। तो गाइस अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग, ऐसे में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो नेता मत बनिए, थोड़ा सा चीजों को समझिए। ठीक, कैसे समझना, समझते हैं गाइस। देखिए अब जैसे मैंने बोला, मैं क्लास में चीख चीख के बोलता हूँ, बेटा ये नोट्स पढ़ो, ये नोट्स पढ़ो, ये नोट्स पढ़ो, इनसे क्वेश्चन आएगा। लेकिन नहीं साहब, हम तेरी सुनेंगे नहीं, हम तो कुछ और ही करेंगे। कैसे करेंगे समझो, वो इन नोट्स को ना पढ़ के वो क्या करेगा, यार एक काम करो स्टैंडर्ड बुक उठाते हैं, तो वो एक बुक उठा लेगा, किताब उठा लेगा। फॉर एग्जाम्पल बीसी पुनमिया, बीसी पुनमिया सोम की एक बुक है, उसको उठा लेगा, इससे पढ़ेगा था। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अरे यार बीसी पुनमिया तो इंडियन राइटर है, हम तो फॉरेन राइटर पढ़ेंगे साहब, तो वो टीमो शेंग को उठा लेगा। टीमो शेंग को सोम की एक बहुत अच्छी बुक है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि कोच, अब मान लो किसी एक्स कोचिंग में वो पढ़ रहे हैं, फीस एक्स कोचिंग में जमा कर रखी है, और नोट फॉलो करेंगे वाई कोचिंग के, बोलेंगे अरे भाई वो जो वाई वाला कोचिंग के नोट्स है ना, वो बड़े अच्छे हैं। मतलब अपनी फैकल्टी बिलीव ना करके किसी अन्य फैकल्टी के नोट्स उठा लिए उन्होंने। तो कुल मिला के जो काम उसे एक्चुअल में ये करना था, ये चीज पढ़नी थी, वो ना पढ़ के वो क्या कर रहा है, इधर इधर घूम रहा है। अब क्या ऐसा बच्चा सेलेक्ट होगा, क्योंकि गेट का पेपर तो इसमें से आने वाला है। फिर आप दोस्त ठोकते हो कि भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो गाइस प्लीज सुनना चालू करो, अपने मेंटर को प्लीज सुनो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो उस काम को कर चुके हैं। समझ में आ रही बात, आपको इस चीज को समझना होगा कि वो जो कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो, वो करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए एटलीस्ट अपने मेंटर्स को सुनिए प्लीज, कि वो कब से क्या बोल रहे हैं, अपने एजुकेटर को सुनिए, उनकी बातों को फॉलो करिए। आप खुद समझ जाएंगे कि वो बात आपके हित में है कि अहित में है। आपको लगता है कि हाँ यार बात बिल्कुल सही है, तो उसको बिल्कुल फॉलो करो। आपको लगता है नहीं यार ये बकवास कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस। तो प्लीज एटलीस्ट जो बात आपको अच्छी लगती है उनको फॉलो करना चालू करो, क्योंकि गाइस जिनसे आप पढ़ रहे हो उनके पास अथाह एक्सपीरियंस है, और अन अकेडमी के अंदर जो फैकल्टीज हैं बेटा, वो बहुत एक्सपीरियंस लेके बैठी हुई हैं। तो इसलिए उनको सुनो कि वो क्या कह रही हैं। तो इस एबिलिटी को प्लीज सुनना चालू करो कि फैकल्टी आपका क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि इतना पढ़ना है तो उतना ही पढ़ना है, अपना अपनी तरफ से दिमाग मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस उतने में से आने वाला है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं सुनना सुनना ध्यान से, कुछ लोग क्या करते हैं, ये बीसी पुनिया पढ़ रहे हैं, टीमो शेंग को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो वो जो गेट का सिलेबस है, गेट का सिलेबस बेटा इतना सा है मात्र, मान लो ये गेट के सिलेबस की लेंथ है, इतनी सी गेट की सिलेबस की लेंथ है। वो लोग क्या कर रहे होते हैं, इनको पढ़ने के चक्कर में इतना सारा पढ़ते हैं, अब आना कितना है इतना, तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, वो अननेसेसरी वेस्टिंग देयर टाइम्स, वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं फालतू का। तो टाइम वेस्ट मत करिए, समय कम है गाइज, इसलिए बिल्कुल सटीक प्रिपरेशन करिए। जितना हमें आना चाहिए उतना बस जरूरी है गेट के लिए। अगर गेट में बात करूँ तो बेटा गेट में 90% न्यूमेरिकल आते हैं। अब न्यूमेरिकल आता है तो हमें गेट के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए कायदे से। मेरे मैं जो बोलूंगा तो ये फॉर्मूला याद हो। अब ये डेल्टा का फॉर्मूला होता है पीएल अपॉन ए, दैट इज द डिफॉर्मेशन। अब कुल मिला के डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये क्यों आया, कहां से आया, कब आया, बाद की बात है। तो गेट के लिए केवल इतना ही काफी है, तो इस चीज को प्लीज समझिए। ठीक है, तो अपने फैकल्टीज को सुनना चालू करिए, वो क्या बोल रहे हैं इस बात को समझिए। चलिए आगे मूव करते हैं, द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक ऑफ रीडिंग एबिलिटी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो गेट में बच्चे इस वक्त कर रहे हैं, सबसे बड़ी, मैं इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो गेट में बच्चे अब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं समझते हैं, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मान लो मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा मैंने डिफरेंट लैंग्वेज में, दोबारा पूछता हूँ, समझ में आया। ज्यादातर बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, बोलेंगे ना। तो जब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आंसर कैसे आएगा फिर, जब आपको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है कि मैं पूछ क्या रहा हूं, तो आप आंसर क्या दोगे फिर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा, बेटा व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, मैंने पूछा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप बता रहे हो साहब 17 ईयर्स ओल्ड, मैं पूछ रहा हूं डेट ऑफ बर्थ, आप बता रहे हो अपनी एज, आई बात समझ में आनी, आपने क्वेश्चन ढंग से सुना ही नहीं। जब क्वेश्चन ढंग से सुना ही नहीं, आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं, तो आंसर तो गलत आएगा ही, समझ में आ रही है बात। दूसरी बात, अगर मैंने पूछा बेटा व्हाट इज योर एज, आपकी एज क्या है, आप बता रहे हो सर 17 अगस्त 1996, अबे भाई मैं एज पूछ रहा हूं आप बता रहे हो मुझे डेट ऑफ बर्थ, तो ये क्या है, लैक ऑफ रीडिंग एबिलिटी। मतलब आप क्वेश्चन को सुनते ही नहीं हो, पहले क्वेश्चन को समझते ही नहीं हो, क्वेश्चन पूछ कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है स्ट्रेस, आप बता रहे हो स्ट्रेन। तो गाइज ये सबसे बड़ी गलती गेट के अंदर इस वक्त हो रही है, तो प्लीज इसको समझना चालू करो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, उसको हमें फोकस करना है। समझ में आ रहा है, अब दिक्कत ये है कि होती क्यों, उसको समझते हैं एक बार। नाउ एक चीज समझिए कि गेट में एक एक डॉट
एक एक कॉमा, एक एक अपोस्ट्रोफी, हर चीज का मतलब है, हर चीज का एक मीनिंग है। अगर आपने कॉमा को पढ़ना मिस कर दिया, आपने डॉट को पढ़ना मिस कर दिया, आपने इस अपोस्ट्रोफी को पढ़ना मिस कर दिया, या मान लो कोई वर्ड दिया हुआ स्पेसिफिक वर्ड, अगर आपने उस वर्ड को पढ़ना मिस कर दिया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा बेटा। एक कहावत है अपने यूपी की तरफ, गुड़ गोबर मतलब बेकार हो गया सब कुछ। तो अगर ऐसा है तो फिर आपका आंसर सही आने वाला नहीं है। तो गाइस समझिए, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई मुस्लिम बच्चे जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो गाइस मैं कुछ उर्दू में लिखने वाला हूँ। मैं हो सकता है गलत लिखूंगा उसे, बट मेरा सोल पर्पस है कि बच्चों को समझाने का। तो गाइस जिस तरह से हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लेफ्ट टू राइट चलती है, हिंदी भी लेफ्ट टू राइट चलती है, बट उर्दू उल्टी डायरेक्शन में चलती है, राइट टू लेफ्ट चलती है। तो मैं उर्दू में कुछ लिखने जा रहा हूँ मेरे बच्चों, जो मुस्लिम स्टूडेंट मेरे जो उर्दू जानते हैं उसको देख रहे हैं, तो हो सकता है मैं गलत लिखूंगा, तो उसको थोड़ा सा बस समझने के पर्पज से ध्यान से सुनेंगे। तो गाइज उर्दू में कुछ इस तरह से दो वर्ड लिखे जाते हैं लाइक दिस, एक वर्ड ये होता है और एक वर्ड कुछ ये होता है। अब इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखो, दोनों देखने में एक से हैं, ये ऐसे और ये भी ऐसे, और ये वाला पार्ट ऐसे और ये वाला पार्ट ऐसे, दोनों देखने में ऐसे। अंतर क्या है? इस डॉट का अंतर है, और इस डॉट को उर्दू में बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता, आधा खाई है ना, इस डॉट को उर्दू में नुक्ता बोलते हैं। अब इस पहले वाले, ये उर्दू में एक वर्ड है जिसका मतलब है खुदा। क्या मतलब है? खुदा। और इस वाले वर्ड का मतलब है जुदा। तुम दोनों वर्ड को ध्यान से देखो, अगर अब इन दोनों में ये चीज तो कॉमन है, बस डॉट का अंतर है। अगर गलती से ये डॉट यहां से यहां लग गई तो खुदा का मीनिंग क्या हो जाएगा? जुदा। तो मुस्लिमों में कहावत है कि एक नुक्ते के फेर ने खुदा से जुदा कर दिया, एक नुक्ते के फेर ने खुदा से जुदा कर दिया। तो सिमिलरली गाइज, अगर आपने गेट के पेपर में एक नुक्ता, नुक्ता मतलब डॉट, एक कोई कॉमा, एक कोई फुल स्टॉप या कुछ भी वर्ड मिस कर दिया, तो आपके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, जिस तरह से यहां पे खुदा से हम क्या हो जा रहे हैं? जुदा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लीज, रीडिंग एबिलिटी, योर रीडिंग एबिलिटी मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, वो एज पूछ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, ये अंतर आपको पता होना चाहिए, जो सबसे बड़ी मिस्टेक गेट के बच्चे, गेट में बच्चे इस वक्त कर रहे हैं। तो अब मुद्दा यह है कि ये मिस्टेक्स होती क्यों है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं, इसको हम कैसे मिनिमाइज करें। तो सर होता क्या है, जनरली मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, उनको जो बुकलेट दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये बुकलेट दी गई है प्रैक्टिस के लिए, अब आप अच्छे बच्चे हो, आपको पता है प्रैक्टिस करनी है बार बार, तो होता क्या है, बुकलेट होती है, उसमें क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के बाद नीचे चार ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। अब बच्चा जब प्रैक्टिस करता है तो ध्यान से सुनिएगा क्या करता है वो, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसके कलर को मैंने ब्लू कर लिया। तो बच्चा क्या करता है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पढ़ता है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसकी लैंग्वेज दे रखी है, अब क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, देखा यार ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। फिर आपने दोबारा क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ा, सॉल्व किया, उसका देखा ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, तो दो तीन बार आप क्वेश्चन को ट्राई करते हो, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप क्या करते हो, पेज पलटते हो, और उस पेज के पीछे जो सॉल्यूशन दिया होता है, उस पेज के पीछे जो सॉल्यूशन दिया होता है उसको आप पढ़ते हो। जैसे आप सॉल्यूशन को पढ़ते हो, आपके दिमाग में फौरन आता है, अरे तेरी, अबे यार ये मिसिंग है, अबे यार ये नहीं पढ़ पाया यार, अरे यार ये बात थी जो मैं पढ़ नहीं पाया। तो जो बात, जिस बात से क्वेश्चन सॉल्व होना है, वो बात आप पकड़ नहीं पा रहे थे, और जो बात आप पकड़ नहीं पा रहे थे, जैसे आपने सॉल्यूशन देखा, वो बात आपकी पकड़ में आ गई, और जैसे ही वो बात पकड़ में आई, आपने उस बात को क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, और जो आंसर था वो भी आपने टिक मार दिया, और ऐसा आपने अपनी पूरी बुकलेट को कर रखा है, यानी पूरी बुकलेट आपने इस तरीके से रंग दी है। अब होगा क्या बेटा, अगले दो महीने बाद जब फिर से इसी कुछ इसी सॉन्ग सब्जेक्ट को या किसी भी सब्जेक्ट को रिवीजन करने बैठोगे, इसी बुकलेट को जब आप दोबारा उठाओगे, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस मेमोरी होती है ना, जानते होंगे, तो वहाँ ये फिक्स हो चुका है। तो जैसे ही आप दो महीने बाद इसको फिर से रिवीजन के लिए उठाओगे, क्योंकि आपको पता है रिवीजन करना है बार बार, तो गाइस जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, ये आपकी मेमोरी में फिक्स है पहले से ही, आप फौरन जाओगे और अरे अचानक से वो मेमोरी घूमेगी और आपको आ जाएगा भाई ये तो वही क्वेश्चन है, और आपका दिमाग सीधे कहाँ जाएगा, अंडरलाइन पे जाएगा, पूरे क्वेश्चन पर नहीं जाएगा, अंडरलाइन पे जाएगा, और आपको अरे यार तो फिर आपका आंसर भी आ जाएगा। तो क्या आपने क्वेश्चन को रीड किया सेकेंड टाइम जब पढ़ रहे थे, क्या आपके अंदर रीडिंग एबिलिटी आ पा रही है? नहीं आ पा रही, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है अंडरलाइन देखने की।
आप गजनी मूवी के वो आमिर खान बन चुके हो जिसने अपने शरीर पे नाम गुदवा रखे थे ताकि उसको देखती चीजें याद आ जाए। तो आपके अंदर खुद की मेमोरी काम ही नहीं कर रही, आप क्या कर रहे हो, गुदी हुई चीजों को देखते हो, लिखी हुई चीजों को देखते हो, तब जाके आपको चीज याद आती है। और ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आपकी रीडिंग एबिलिटी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से प्रॉपरली पढ़िए। और मैं एक सजेशन देता हूं, आज 15 दिन इस काम को कर लेना, अपने आप आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या करो, थोड़ा सा लेंदी मेथड जरूर है गाइस, लेकिन 15 दिन बाद आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे, आप हमेशा आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी आएगी। मतलब क्या करो, जब भी आप किसी भी न्यूमेरिकल को करते हो तो लिख लो डेटा क्या दिया है, गिवन जो भी गिवन डेटा दिया हो, थिकनेस दे दिए साहब, फोर्स आरपीएम इतने दिए हैं, फोर्स इतना दिया, सबको लिखना चालू करो एक बार। ऐसा करने से क्या होगा, आपके दिमाग में अपने आप चीजें बैठ जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप कोई भी डेटा मिस नहीं करोगे, क्योंकि सारा खेल मिसिंग का है सर। क्वेश्चन आता है कभी कभी, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन गेट में आया था, मैं आपको बता दूं कि एक कंडीशन दी थी लाइक दिस, एक कोई बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसके अंदर हमने क्या किया, एक सॉलिड बॉडी को डुबो दिया। अब आप जानते हैं इसके ऊपर फोर्स ऑफ बयंसी काम करेगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या काम करेगा, नीचे की तरफ इसका खुद का वेट काम करेगा और इधर फोर्स ऑफ बोयंसी काम करेगा। अब क्वेश्चन ने पूछा था डिटरमाइन द नेट फोर्स ऑफ बोयंसी, क्या पूछा, नेट फोर्स ऑफ बोयंसी, नेट फोर्स ऑफ बोयंसी पूछा। अब नेट फोर्स ऑफ बोयंसी क्या हो गया, डब्ल्यू डिफरेंस किसका, एफ बी का, यानी ये ऊपर काम कर रहा है एफ बी और डब्ल्यू नीचे काम कर रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, तो वो आएगा हमारा नेट आंसर। अब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने नेट वर्ड पढ़ना मिस कर दिया, इस वर्ड को पढ़ ही नहीं पाए, उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन जल्दबाजी में क्या पढ़ लिया, डिटरमाइन द फोर्स ऑफ बोयंसी, तो वो इस फोर्स ऑफ बोयंसी को निकाल के चले आए। तो क्या आंसर सही आएगा, बिल्कुल सही नहीं आया, गलत आएगा। तो बेटा यही समझाना चाह रहा हूं मैं, एक एक वर्ड का, एक एक डॉट का, एक कॉमा का मतलब है, इसलिए प्लीज अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, स्ट्राइक नहीं करनी है। अगर आप एकदम से क्वेश्चन पे टूटेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात अब मैं बोलने जा रहा हूं, सुन लेना ध्यान से, जितना ईजी क्वेश्चन गेट के अंदर आएगा, जो आपको देखने में इजी लगेगा, समझ जाना उसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, वो क्वेश्चन उतना ही डिफिकल्ट होता है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसके अंदर एप्टीट्यूड छुपा देता है वो। तो इसलिए जितना इजी क्वेश्चन गेट के अंदर होगा, समझना उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, इसलिए स्ट्राइक मत करिएगा एकदम से, पहले उसको आराम से पढ़िएगा, समझिएगा क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। अब जाने से पहले एक चीज और, इस पॉइंट को लीव करने से पहले एक चीज और समझा दूं मैं आपको, हमेशा याद रखेंगे क्वेश्चन रीडिंग इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन रीडिंग इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, यानी क्वेश्चन को पढ़ना उसे सॉल्व करने का ही पार्ट है, इसलिए प्लीज अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। समझ में आ गया, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो चीज मिस हो रही थी वो समझ में आ जाएगी आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेस कमांड ऑन यूनिट्स, यूनिट्स पर कमांड ही नहीं बच्चे की। आप बोलोगे सर कैसी बात कर दी आपने, सर पूछो किस चीज की यूनिट पूछनी है, फोर्स यूनिट न्यूटन होती है सर, लेंथ यूनिट मीटर होती है सर, टाइम यूनिट सेकंड होती है सर, कैसी बात करो सर आप, पावर यूनिट वॉट होती है सर, एनर्जी यूनिट जूल होती है सर, कैसी बात करो, सब कुछ आता है हमें। तो गाइस समझिए कि क्यों क्यों मैंने इस पॉइंट को यहाँ लिखा हुआ है। सी एवरीवन, सर आप जानते हैं कि गेट में न्यूमेरिकल डेटा एंट्री वाले क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल डेटा एंट्री, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा एंट्री मतलब उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा एंट्री वाले क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल डेटा एंट्री में ये होता है कि ऑप्शन नहीं होता, न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा आपको, डायरेक्टली आंसर पुट करना होता है। अब ध्यान से सुनिएगा गेट की क्या खूबी है, गेट को जो भी न्यूमेरिकल देगा वो हमेशा बोल देता है पहले ही कि आई वॉन्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल गेट का पेपर आपसे पावर पूछ रहा है, तो वो पहले ही बता देगा कि इसको पावर वॉट में चाहिए, कि मेगा वॉट में चाहिए या किलो वॉट में चाहिए। समझ में आ रही बात, तो पहले ही आपसे बता देगा कि मुझे पावर किस यूनिट में चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपने ये किलो विलो को मिस कर दिया आपका आंसर गलत हो गया। अब गलती की संभावना क्यों है पहले वो जान लो गाइस, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं। अब ध्यान से सुनिए, मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल ये है कि मान लीजिए गेट ने क्वेश्चन पूछा डिटरमाइन द पावर इन किलोवाट, डिटरमाइन द पावर इन किलोवाट, और उसने आपको फोर्स दे रखा है फॉर एग्जांपल 2000 न्यूटन और वेलोसिटी दे रखी है फॉर एग्जांपल 3 मीटर पर मिनट। ये आपको क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, पूछ रहा डिटरमाइन द पावर इन किलोवाट। अब ध्यान तो सुनिएगा, आपने क्या किया कैलकुलेशन की, सी पावर का फॉर्मूला होता है एफ इन टू वी, आपने एफ की जगह पर रख दिया 2000 और वी की जगह पर रख दिया 3, और किलो को किलो के लिए आपने डिवाइड कर दिया 1000 से,
इसको 30 कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छा समझने के लिए 30 कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने किलो को क्या करने के लिए, किलो को बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आंसर आ गया बेटा, 1000 से देखा दो बार, कितना आंसर आ गया 60। अब क्या ये 60 किलोवाट आया? नहीं, ये कुछ और आएगा, क्योंकि किलोवाट के लिए हमें इसको पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो आपने नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा। तो ये किलो में आंसर नहीं आया आपका अभी, क्योंकि अभी आपने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया। तो सेकंड में और कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर कितना आ गया, 1 किलो वॉट। दिस इज द राइट आंसर, ठीक, 1 किलो वॉट इज द राइट आंसर। बट आपने क्या किया, लेट अस अज्यूम कि आप, अब ऑप्शन तो है नहीं सामने, अब ऑप्शन स्क्रीन में नहीं है, मान लो ऑप्शन होते, सब लोग एक बार दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा से कुछ इस तरह से देखते हैं। मैं मान लेता हूं कि अभी मैंने कुछ नहीं करा, हम जानते हैं राइट आंसर इज 1 किलोवाट। अब मान लो आपने क्या किया, आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, किलो के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 60, और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी और डी, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 1 किलोवाट, दूसरा ऑप्शन है मान लो 0.1 किलोवाट, तीसरा ऑप्शन है 1000 किलोवाट, चौथा ऑप्शन है 10 किलोवाट, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अब आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया 60, और चार ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, तो आपने जैसे ही ऑप्शन देखा तय करो यार ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपका आंसर 60 आ रहा है। तो ध्यान से सुनिए, जैसे ही आपने ऑप्शन को देखा, आपको एक हिंट मिली, क्या मिली, हिंट मिली। कैसे हिंट मिली, कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, क्यों, क्योंकि आपका आंसर आ रहा है 60 और ऑप्शन है ये। तो ऑप्शंस क्या करते हैं, ऑप्शंस आपको हिंट देते हैं, क्या करते हैं, हिंट देते हैं, और गेट ने ये हिंट आपसे छीन ली है, क्योंकि अब गेट में कोई ऑप्शन नहीं आते। अब मान लीजिए कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है, सी एवरीवन, मान लीजिए कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है, तो आपका आंसर कितना आ रहा था, 60 किलोवाट, ये आपका आंसर आ रहा था आपके हिसाब से, और आपके सामने कोई ऑप्शन है नहीं। अब बताइए ईमानदारी से, आप क्या पुट करोगे वहां पे, इट इज ऑब्वियस आप 60 पुट करोगे, क्योंकि आपके पास कोई हिंट देने वाला तो बचा ही नहीं, तो आप सोचोगे कि आपने पेपर अच्छा किया है, लेकिन नहीं सर, आपका आंसर गलत हो चुका है, क्योंकि दिस इज द रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज, इसको अभी आपको 60 से डिवाइड करना है, तब आंसर आएगा 1 किलोवाट, जो कि ऑप्शन में था। तो ऑप्शन होने से हिंट होती है, जो हिंट गेट ने आपसे छीन ली है। इसलिए गाइस प्लीज बी अवेयर अबाउट द यूनिट्स, यूनिट को समझिए, किसमें पूछ रहा है उसी हिसाब से आंसर को करिए, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने होगा नहीं, हिंट आपको मिलेगी नहीं, और इसलिए आपसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको अभी समझाया मेरे बच्चों, इन पे प्लीज काम करिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं और केवल पढ़ रहे हैं और बाकी चीजों को समझ ही नहीं रहे। तो मैंने जैसे कि भी बताया कि हर शख्स जो जीतता है वो कुछ नया नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से करता है। तो आप लोग भी प्रिपरेशन करके कुछ नया नहीं कर रहे हो, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा डिफरेंट रूप दीजिए, और इन 5 पॉइंट्स पर प्लीज अच्छे से काम करिए, क्योंकि यही वो 5 पॉइंट्स हैं जिन पर अगर आपने काम कर लिया तो दिस इज माई गारंटी कि आप 100% सक्सेस होंगे। ठीक है गाइस, एक पॉइंट और बचता है, दैट इज डोंट बी हेस्ट ड्यूरिंग एग्जाम, मतलब कि जल्दबाजी में ना रहे। ये पॉइंट बेसिकली तब के लिए जब आप गेट के पेपर में बैठे होंगे बाकायदा, जब आप गेट का पेपर दे रहे होंगे, तो ये उन 3 आवर्स के लिए जब आप वाकई में गेट के सामने बैठे होंगे। तो गाइज एक बात याद रखिएगा, अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो मैं बता दूं आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा गेट के पेपर में जो आपसे नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है आपसे गलतियां हो, तो वो गलती सिर्फ होंगी आपके एक्सेलरेशन की वजह से, आपकी जल्दबाजी की वजह से। तो प्लीज जल्दबाजी मत करिएगा, ये जल्दबाजी होती क्यों बता दूं मैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। अब मान लो आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन गेट में जनरली बहुत ईजी होते हैं, तो आपने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया और आपने देखा अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो पढ़ा था, सॉल्व कर दिया। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन किया, ये भी सॉल्व हो गया, तीसरा क्वेश्चन किया, ये भी सॉल्व हो गया, चौथा क्वेश्चन किया, ये भी सॉल्व हो गया। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके अंदर एक खुशी आती है, तेरी यार क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मजा आ गया, तो ये खुशी है। तो जैसे जो खुशी आती है ना, तो वहीं आप एक्सेलरेट करने लगते हो, वहीं आप एक्सेलरेट करने लगते हो। जैसे आप एक्सेलरेट करते हो, तो जो पिछले 5 2 3 टर्म मैंने बताया, रीड लैक ऑफ रीडिंग एबिलिटी और यूनिट यूनिट वाली गलती, जैसे आप एक्सेलरेट करते हो तो वो 2 गलती होने लगती है। तो आपको सब कुछ आते हुए भी, जैसा पिछले पावर वाला जो क्वेश्चन था, सब कुछ आते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसलिए जब भी आप पेपर दे रहे होंगे तो एक्सेलरेट नहीं करेंगे,
पेपर से पहले पूरी नींद लेंगे, बिना नींद के पेपर, पता चला रात भर पढ़ के गए हो तब भी आपका पेपर अच्छा नहीं होने वाला। तो मेरे बच्चों प्रॉपर रेस्ट लेना है पेपर से पहले, और हड़बड़ाहट में बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि हड़बड़ाहट में अगर रहोगे तो फिर आप गलतियां करोगे, और जितनी ज्यादा गलती होती जाएंगी उतनी रैंक आपकी डाउन होती चली जाएगी। तो आई होप कि आप इन 6 पॉइंट्स पर काम करेंगे, और आप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आए होंगे। और अगर ये समझ में आया तो गाइज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लो गाइज, अच्छे से फॉलो करिएगा, तभी रैंक आएगी आपकी, ठीक है। बाकी बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। बाकी ये मेरा कोड है GPS लाइव, जैसे आप इस कोड को डालेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ऑल द वेरी बेस्ट।